अब इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए, कम है। हम अपने मेहमान नवाजी पे हमें फख्र है। हम न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दुनिया भर में अपने मेहमान नवाजी की बात करते हैं, और फिर अपने मेहमानों के साथ जो हमने कल सलूक किया, यहाँ तक के चेन्नई से एक हमारे मेहमान पत्थरबाजी में मारे गए, मुझे लगता है इससे बड़ी दुख की बात और शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। बदकिस्मती से लगातार पिछले 3 साल से आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं कश्मीर की वादी में वो ख़राब होते जा रहे हैं, और यही नतीजा है। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, मरकज़ को भी और रियासत के हुकूमत को भी, कि अगर वो जल्दी से हालात को काबू में नहीं लाते, शायद इससे और ज़्यादा बदतर जो है सिचुएशन जो है रियासत में होगी। लेकिन अभी तक तो कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं रहा। शायद कल के हादसे के बाद मत नए सिरे से अब सुनवाई होगी।